नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अयन सिंह आज आप लोग के बीच में लाइव आया हूँ। आज आप लोग को लो स्पर्म काउंट यानी नील शुक्राणु के बारे में बताऊंगा कि नील शुक्राणु क्या होता है और ये कैसे होता है। दोस्तों, मेरा यह वीडियो देखने से पहले मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाए। मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक लो स्पर्म काउंट यानी नील शुक्राणु। नील शुक्राणु कैसे होता है? दोस्तों, आजकल के समय में यह एक कामन बीमारी हो गई है। नील शुक्राणु होना पुरुषों में एक कामन बीमारी हो गई है। सबसे पहले इसको जानने के लिए ज़रूरी ये होता है कि हम अपने वीर्य की जांच कराएं। वीर्य का जांच जो कि सीमन एनालिसिस कहा जाता है, किसी भी अच्छे लैब में जाकर के अपने सीमन एनालिसिस कराना चाहिए। दोस्तों, हम अपने सीमन एनालिसिस में तीन चीज़ें मुख्य देखते हैं। पहला होता है काउंट, दूसरा होता है मार्फोलॉजी, तीसरा होता है मोर्टैलिटी। आइए हम आपको बता दें कि काउंट में हम क्या देखते हैं। दोस्तों, काउंट में हम देखते हैं कि एक पुरुष में वीर्य की मात्रा कितनी होती है और कितनी है और उसमें शुक्राणुओं की संख्या कितनी है। तो हम आपको बता दें कि एक पुरुष में वीर्य की मात्रा 1.5 ml से लेकर के 5 ml तक होती है और उसमें शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन से लेकर के 200 मिलियन पर ml होनी चाहिए। इसे हम सही मानते हैं। अगर स्पर्म 50% है और मोर्टैलिटी यानी गतिशीलता 25-30% है तो स्पर्म अच्छा माना जाता है। अगर उसमें 25-30% स्पर्म स्लगिस है तब भी हम उसे अच्छा ही मानते हैं। अगर किसी कंडीशन में स्पर्म उससे भी कम है, 30%, 40% है, 30 से कम है, 15-20, 25-30 है, तो इसे लो स्पर्म काउंट माना जाता है। इसे हम अपनी भाषा में ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अगर 25-30 के बाद अगर मान के चलिए कि स्पर्म की संख्या शून्य है या नील है तो इसे नील शुक्राणु या एजोस्पर्मिया कहा जाता है। दोस्तों, याद रखें, अगर शुक्राणुओं की संख्या बिल्कुल नहीं है तो इसे नील स्पर्म या एजोस्पर्मिया कहते हैं। दूसरा टॉपिक चलते हैं जिसे मार्फोलॉजी कहते हैं। मार्फोलॉजी में दोस्तों हम शुक्राणु का स्ट्रक्चर देखते हैं, बनावट देखते हैं कि उसकी बनावट कैसी है, उसका हेड कैसा है, उसका टेल कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जो शुक्राणु हो वो आधा ही है, उसका हेड ही ना हो, उसका टेल ही सही नहीं हो, टेल कटा हो। तो मार्फोलॉजी से हम एक आकृति पता करते हैं कि हमारे शुक्राणु की आकृति कैसी है, बनावट कैसी है। अगर जिन शुक्राणुओं की बनावट सही नहीं होती है तो दोस्तों इसे टेराइटोस्पर्मिया या टेराइटोजूस्पर्मिया कहते हैं। टेराइटोस्पर्मिया इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पर्म विथ एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी दैट अफेक्ट फर्टिलिटी इन मेल। दोस्तों, यह पुरुषों में फर्टिलिटी को भी दर्शाता है, कितना परसेंट फर्टिलिटी हो पाएगा कि नहीं। तीसरा होता है दोस्तों मोर्टैलिटी, जिसे हम चाल कहते हैं। शुक्राणुओं में हम एक गतिशीलता देखते हैं कि हमारा शुक्राणु गतिशील है कि नहीं है।
दोस्तों आपको बता दें कि जब पति पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो पति अपना वीर्य पत्नी के अंदर ही छोड़ देता है। जब वो शुक्राणु अंदर छूट जाते हैं, इसके बाद वो बहुत जो गतिशील होते हैं, जिन शुक्राणुओं में मोटेलिटी होती है, वे गर्भाशय में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके वे ट्यूब में चले जाते हैं, जहाँ पे अंडा होता है। उस अंडे से ये टक्कर मारते हैं, जो भी गतिशील शुक्राणु होते हैं, जिसमें मोटेलिटी अच्छी होती है, जिसकी स्पीड अच्छी होती है, गर्भाशय में प्रवेश करके वह ट्यूब तक पहुंच करके अंडे में टक्कर मारते हैं। और जो शक्तिशाली होता है, जो स्पर्म शुक्राणु शक्तिशाली होता है, वो अंडे में प्रवेश कर जाता है अंदर, और हमारा यह फर्टिलिटी पूरा होता है, जिसे निषेचन क्रिया कहते हैं, गर्भाधान क्रिया कहते हैं, वो पूरा हो जाता है। दोस्तों अगर जिन शुक्राणुओं की गतिशीलता या मोटेलिटी अच्छी नहीं होती है, वे सिर्फ जीवित होते हैं, उन्हें श्लाघिस कहते हैं। वो जीवित तो होते हैं लेकिन किसी काम के लायक नहीं होते, उनमें मोटेलिटी नहीं होती है। दोस्तों जिन शुक्राणुओं की चाल सही नहीं होती है, उसे एस्थिनो जू स्पर्मिया कहते हैं। इसमें 100% मोर्टेलिटी जो होती है, गतिशीलता शुक्राणु की डाइड होती। चौथा हम देखते हैं दोस्तों स्पर्म में, अपने वीर्य एनालिसिस में पस सेल देखते हैं कि पस सेल बढ़ा हुआ नहीं है, उसके वजह से भी बहुत तेज़ी से हमारे स्पर्म काउंट जो है घटने लगते हैं। यह बहुत गंभीर बीमारी नहीं होती है, ये सही हो जाती है, बहुत जल्दी सही हो जाती है। एक पुरुष में वीर्य की मात्रा कितनी होती है और शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, उसकी चाल कैसी होती है, चाल सही है कि नहीं, काउंट मोर्टेलिटी और मॉर्फोलॉजी, ये तीन चीज़ें मनुष्य के सीमेन एनालिसिस में मुख्य होती है, जो कि देखा जाता है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें। नमस्कार।